हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हर वीकेंड की तरह वीकेंड भी बहुत अच्छा प्लान है हमारा। अभी कैंपिंग का प्लान है, क्योंकि वैसे भी अवॉइड करना है होम स्टे, होटल्स, ये सेफ नहीं है और इवन क्राउडेड प्लेस भी सेफ नहीं है। एक जगह देखा है, बहुत ही अच्छा है, काइंड ऑफ कम्प्लीटली नेचुरल ब्यूटी। एक डैम है, बेंगलोर से 120 किलोमीटर रहेगा अप्रोक्सीमेटली। मेरे पास एक कैंपर वैन है, तो उसमें 2 जन सो सकते हैं, लेकिन मेरे साथ और 2 फ्रेंड भी आ रहे हैं, तो सोचा एक कैंप ले लेते हैं, क्योंकि वैसे भी बहुत दिन तक अभी ऐसा कैंपिंग ही करना है, तो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन होटल लॉजेस एंड थिंग्स लाइक दैट, बेटर टू स्टे इन टेंट ऑफ योर ओन एंड कुक योर ओन फूड। तो कल मैं गया था डिकाथलन, बहुत सारा टेंट देखा, 2% टेंट, 3% टेंट, तो मुझे एक 3% वाला केचुआ का टेंट अच्छा लगा, क्योंकि उसमें वेंटिलेशन बहुत अच्छा था, दिखने के लिए भी काफ़ी अच्छा था और काफ़ी सॉलिड बिल्ड था, तो वो ले लिया। तो अभी ऑलमोस्ट हम रेडी हैं, बाकी सामान भी रेडी है, हमने वो गैस ले लिया, अटेंसिस ले लिया, बाकी थोड़ा बहुत मसाला, क्योंकि उधर ग्राइंडर वाइंडर नहीं रहता है, तो घर से रेडी कर लिया थोड़ा, तो ऑलमोस्ट सारे सामान हमने रख लिया है, फिलहाल रेडी है। तो चलते हैं, पहले जाएंगे एक एक दोस्त को पिक करेंगे, उसके बाद निकल पड़ते हैं। आई विल कीप यू पोस्टेड। ओके लेट्स गो। ओके दोस्तों, लगभग 2-2.5 घंटे के जर्नी के बाद हम पहुंचे डेस्टिनेशन पे। आपको दिखाता हूं मैं कैसे दिखता है जगह। लेट्स सी, जस्ट रीच दांडी गनाहली डैम, सच ए ऑसम प्लेस। हैव यू सीन दिस? सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। सी, अरे देयर स्टेइंग हियर यार, सो हियर वी विल कैंप ओवरनाइट एंड सी। कैंप लगाने का बेस्ट प्लेस देते हैं, उसके बाद दिखाता हूं मैं आपको। हाय फ्रेंड्स, आइडेंटिफाइड ए स्पॉट, खाना बनाने के लिए एक जगह मिल गया। रात को देखेंगे, कैंप के लिए भी एक जगह चाहिए, ढूंढ लिया है, एक दो स्पॉट शॉर्टलिस्ट किया है, देखते हैं उधर कैंप लगाने का कोशिश करेंगे, होपफुली एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। जैसे ही हम पहुंचे बारिश शुरू हो गया, लेकिन वैसे भी मौसम काफ़ी अच्छा है, मज़ा तो आ रहा है। अभी देखते हैं हमारा मतलब रात होने से पहले हम कुक कर लेंगे, पहले चिकन विकन लाए हैं तो बना रहे हैं, अंधेरे होने से पहले रेडी हो जाना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। बारिश भी हो रहा है, मतलब काफ़ी क्लाउड्स है, तो बारिश होने से पहले खत्म कर लेते हैं। चलो आपको दिखाते हैं खाना बनाना। फाइनली पिच द टेंट, डार्क होने से पहले टेंट डाल दिया, क्योंकि और डार्क हो जाता तो समझ में नहीं आता किधर डालेंगे किधर नहीं। अभी बारिश भी रुक गया है, तो फाइनली टेंट हो गया, खाना बन रहा है, ऑलमोस्ट डन चिकन। तो अभी बस खाना खा के
सोते हैं फिर। हाय आज देख रहे खूबसूरत वादियाँ, हम लोगों ने बहुत सुना है राइट खूबसूरत वादियों के बारे में, और कितने नाम है खूबसूरत वादियों का, कश्मीर, दार्जिलिंग, नॉर्थ ईस्ट, लॉट ऑफ प्लेस भारत में। हम एक खूबसूरत वादियों में अभी फिलहाल है, ये हमारा टेंट ऑलरेडी बन चुका है, हम चार दोस्त आए हैं इस टेंट में रहेंगे इस खूबसूरत वादिया में। पता लगाइए आप कहाँ पे हम, कश्मीर नहीं है ना, तो ये कोई दार्जिलिंग है ना कोई हिल स्टेशन है, ये बैंगलोर के पास है। अब मजे की बात बताऊं, खास करके जब से लॉकडाउन हुआ, जस्ट आफ्टर लॉकडाउन, ये अनलॉक 1.0 में हम आए हैं, नियर टू एयरपोर्ट, ये नंदी हिल्स के आसपास का एक जगह है। अब देखिए मतलब कितना अच्छा वादियां है यहाँ पे, पहाड़ी, नदी, झरना, मतलब हर तरह का चीजें है। टेंट लगाए, एक रुपये का खर्चा नहीं है, हम बैंगलोर से यहाँ आए हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर का ड्राइव, रात को हम बेशक यहाँ रुकने वाले हैं, ये वादियां छोड़ के जाने का कोई मन ही नहीं हो रहा है। वन ऑफ द नाइस प्लेस। और अब तक आपको बताओ कम से कम मैंने 25 तरह का पंछिया देख चुका हूँ, और एक मोर हमारे बाजू से उड़ के चला गया, और मोर इतना ऊपर से उड़ता है करके भी हमें पता नहीं था, आज पहली बार देखा, वो भी बैंगलोर के पास एक रुपया खर्चा ना करके। विल सी यू सून वंस अगेन। सो फाइनली डिनर रेडी हो गया, तो अभी खाने का टाइम है, डिनर खा के सोते हैं, विल मीट यू टुमारो मॉर्निंग। ये देखो सारे लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं, अभी बताओ मिस्टर श्याम। श्याम, हैव सम इनपुट्स। अरे यार क्या बताऊं, नेचर के गोद में और एंजॉय कर रहे हैं, और नजदीक बैंगलोर से है तो बहुत बढ़िया जगह है, मस्त। बाकी दो बोलेंगे अभी जो बोलना है आप सुन लीजिए। या सो दिस इज द बेस्ट प्लेस आई हैव बीन एवर बीन इन माय लाइफ। कम वंस, एंजॉय इट, यू लव इट फॉर श्योर। हम सब रियली सच ए वंडरफुल प्लेस मैन, बहुत ही अच्छा लगा। मैं जैसे पहले बोला इधर लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, कैमरा इतना सही नहीं है जो कि नाइट में कैप्चर कर सके, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू कैप्चर द एनवायरमेंट एंड जस्ट मेक यू फील यू गाइस हाउ वी आर फीलिंग, एंड फ्यूचर में हम ऐसा वीडियो लेके आएंगे। एनीवे वाओ मोमेंट, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत अच्छी तरह से नींद आया, लगता है इधर कम से कम 100-150 मोर तो रह गए ही, कि उसके ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि रात भर हमको मोर का आवाज़ सुनाई दे रहा था। मोर क्यों, बहुत सारा पक्षी था यार, काफ़ी अजब अजब तरीके के आवाज़ ही सुनाई दे रहे थे। एनीवे अच्छा नींद आया, अभी चाय वाय बनाते हैं, चाय वाय बना के पी के निकलना पड़ेगा अभी, चलो। हो गया फाइनली पैकअप, अच्छा लगा, पूरा दिन, पूरा ऑलमोस्ट हाफ डे, पूरा रात नेचर में कैंपिंग, इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। पैकअप हो गया है, अभी निकल रहे हैं हम। थैंक यू गाइस वाचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।